दोस्तों, मलेरिया एक पैरासाइटिक रोग है जो एनोफिलीज मादा मच्छर के काटने से फैलता है। यह एनोफिलीज मच्छर प्लास्मोडियम नामक पैरासाइट लेकर चलती है। जब यह मच्छर आपको काटती है तो पैरासाइट आपके खून में जाकर रेड ब्लड सेल्स को नष्ट करता है, जिसके कारण व्यक्ति को बुखार और सिर दर्द होना शुरू हो जाता है। दोस्तों, इस प्रजाति के मच्छर बारिश के मौसम में अधिक होते हैं, क्योंकि बारिश का पानी अधिक दिनों तक जमा होने की वजह से दूषित हो जाता है और यहीं से इस प्रजाति के मच्छर की उत्पत्ति होती है। सिम्टम्स ऑफ मलेरिया: बुखार आना, सिरदर्द होना, उल्टी होना, मन का मचलना, ठंड लगना, चक्कर आना, थकान आना इत्यादि। तो दोस्तों, अगर आपके शरीर में इनमें से कोई भी सिम्टम्स दिख रहे हैं तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। मलेरिया से कैसे बचें? तो दोस्तों, अगर आपको मलेरिया है तो ब्लड टेस्ट करवाएं और डॉक्टर की राय से ही कोई दवा लें। अगर दवा की पूरी डोज नहीं लेंगे तो मलेरिया दोबारा होने की आशंका रहती है, और अगर दवा खाने के बाद भी बुखार कम न हो तो डॉक्टर को दिखाएं।